कल रात को यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, काफ़ी बिजली भी चमकी, जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे जो फ्यूज़ है वो उड़ गए, इलेक्ट्रिक पोल्स भी गिर गए, और कल शाम से इनफैक्ट दोपहर से यहाँ पे लाइट नहीं है। अब हमारे यहाँ पे पानी ख़त्म हो जाता है, एनिमल्स के लिए हमें पानी चाहिए होता है यहाँ पे। राजीव भैया को तो आप जानते होंगे, उन्होंने ये डोनेट किया था, तो जनरेटर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब बिल्कुल इन्वर्टर ख़त्म हो जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है। और अब ये हुआ क्या, जब मैं जनरेटर ऑन करने आई और बिंद्रेश ने देखा कि यहाँ पे चूहों ने इसकी तार काट दी है, तो अब हमें तारें पहले ठीक करनी पड़ेंगी और उसके बाद हम ये जनरेटर ऑन करेंगे, फिर एनिमल एरिया में पानी भरा जाएगा और जो मीडिया टीम है उनके सिस्टम भी चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहाड़ों पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, जब बारिश होती है तो पेड़ वेड़ उस पर गिर जाते हैं, और फिर कभी कभी तो दो दिन भी लग जाते हैं वापस बिजली आने में। जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो घर पे जो हम लोग आम ब्लेंडर्स यूज़ करते हैं उस पे बनते हैं, और आज डे टू है और हमारे यहाँ पे बिजली गई हुई है, इन्वर्टर ख़त्म हो चुका है, सोलर पे काफ़ी चीज़ें नहीं चल सकती, सिर्फ जो लाइट ड्यूटी मशीन्स हैं सिर्फ वही चल सकती हैं, तो आज हम बटर्स वगैरह नहीं बना पाएंगे। आज जैसे जो डेज हैं उसको हम यूज़ करते हैं अपनी मोस्टली स्नैक्स, फ्लैक्स सीड्स, ऐसी चीज़ों के लिए, और काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब हमें ऑर्डर्स फुलफ़िल करने होते हैं तो उसकी एक डेडलाइन होती है जिस तक हमें वो भेजने होते हैं, अगर हम ना शिप करें तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। पर जब हम शहर में रहते हैं तो बिजली के बारे में ज़्यादा हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे लगभग सारी कन्वीनियंसेस अवेलेबल होती हैं, पर ऐसे सेटअप ये जो रूरल एरिया है यहाँ पे बिजली ना होने से जो ये प्रोडक्ट्स का काम है ये काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो जाता है। पैकेजिंग रूम में हूँ और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हमारे बिजली जाने से पहले जो बने थे वो हम पैक कर रहे हैं, और इस समय श्वेता यहाँ पे हमारी टीम के साथ पैकेजिंग में हेल्प करा रही है। श्वेता जो है यहाँ पे वॉलेंटियर कर रही हैं, और ये मेरी टीम पीछे साहिल, सपना एंड पूजा। हम होप कर रहे हैं कि एक आधे घंटे में लाइट अगर आ जाए, फिक्स हो जाए, अभी तो फॉल्ट ही नहीं पता कि क्या है, हो जाएगी तो सारे ऑर्डर्स हम आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल शनिवार है जबकि सबकी छुट्टी होती है, तो नेक्स्ट जो दो घंटे हैं वो काफ़ी क्रूशियल है ऑर्डर फुलफिल करने वाइज। हे इशिता, हाय। आप लोग इशिता को तो जानते ही होंगे, बताओ अपने बारे में कुछ। इशिता हमेशा डिसइंटरेस्टेड रहती है कैमरा के सामने, ऐसे आसान भी नहीं है, टाइम लगता है एडजस्ट होने को। ये हमारा प्रोडक्शन रूम है और यहाँ पे हम ना बड़ी शांति से काम करते हैं ना, बिना कोई आवाज़ के अपना अपना काम करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पैकेजिंग रूम में क्या चल रहा होता है, बिकॉज पैकेजिंग रूम का वाइब ना कुछ और ही होता है, और ये पूरा कंट्रोल करता है साहिल। यहाँ पे ऐसे रोज़ बॉलीवुड और पंजाबी गाने बजते हैं और उसमें झूमते झूमते, आज पता नहीं पूजा मूड में नहीं लग रही है, वरना यूजुअली वो हमेशा नाचती होती है। ये वाइब का राज क्या है, लाइक डज इट हेल्प यू वर्क? टेक की आवाज़ सुन सुन के ना हम सब बहरे हो गए, तो हमें अच्छा म्यूजिक चाहिए होता। रैपिंग अप फॉर द वीक, हमारे ऑर्डर्स रेडी हो गए हैं जाने के लिए, हमारे अमेज़न एजेंट राकेश आने वाले हैं, सो साइनिंग ऑफ, बाय।